Hey guys, this is Sarthak and you are watching ModxTech. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाले एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड का, जो कि है कॉस्मिक बाइट का CB-GK-12। इस कीबोर्ड को यूज करते मुझे करीब करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। बात करते हैं कि इस कीबोर्ड के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और ओवरऑल यार मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस कीबोर्ड के साथ। तो चलिए तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है यार PC रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों के अंदर तो दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, कर दो उसे ग्रे कलर का, और लाइक के बटन को भी दबा दो क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की। तो हम रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूं मैं इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल हमें काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। पूरा का पूरा जो फ्रेम है उसका एल्युमिनियम से बनाया गया है और जो साइड में बेजल्स है वो आप लोगों को क्रोम की देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा इसको प्रीमियम लुक दे देती है और साथ ही साथ इसको थोड़ी सी इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज कर देती है। की कैप्स की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्लास्टिक से ये बनाई गई है। जब भी आप इसके ऊपर टाइपिंग करोगे तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक इसके अंदर यूज करी गई है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। अगर इसकी केबल क्वालिटी के बारे में बात करूं तो केबल इसके अंदर भले एक ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो इसकी केबल क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। टोटल 1.8 मीटर की केबल हमें इसके साथ मिल जाती है और जो इसका यूएसबी कनेक्टर हमें देखने को मिलता है वो हमें गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जिसकी वजह से इसके ऊपर रस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। कीबोर्ड की बैक साइड के बारे में बात करूं तो ये हमको यहां से पूरा का पूरा प्लास्टिक का देखने को मिलता है। फ्रंट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है जबकि बैक साइड से हमको इसमें प्लास्टिक मिलती है। अब गाइस बात करते हैं कि हमारा कैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड के साथ रहने वाला है। तो ये एक फुल साइज आरजीबी मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो यानी इसके अंदर हमें नम पैड भी देखने को मिल जाता है, और क्योंकि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं ब्लू स्विचेस, जो कि चेरी एमएक्स की तरफ से तो नहीं आते, लेकिन वो आते एक चाइनीज ब्रांड की तरफ से जो कि है जिक्सियन। भले ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो टोटल चेरी एमएक्स जैसा नहीं रहने वाला है, बट आपको जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होगा वो 90-95% चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस जैसा ही रहने वाला है। और क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड है तो गेमिंग में तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। मैंने इसके ऊपर काफी देर तक गेमिंग करी है और गेमिंग में इसने मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करा है। और आपका अगर टाइपिंग के बारे में बात करूं तो अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे अगर आप नोट्स बनाते हो या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह भी करते हो, तो आपका तब भी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें ब्लू स्विचेस मिलते हैं तो आपकी जो की है वो अगर आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हो तो वो तुरंत रजिस्टर हो जाती है, तो इस चीज के अंदर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब गाइस हम बात करते हैं थोड़ा सा इस कीबोर्ड की आरजीबी लाइटिंग के बारे में, जिसके अंदर काफी ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी होगा। तो देखो भाई, जो इसकी एक एक रो है उसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक कलर मिल जाता है। जैसे कि अगर इसकी टॉप रो है तो हमें ऑरेंज मिल जाती है, फिर ग्रीन मिल जाती है, फिर रेड मिल जाती है, ऐसे कर करके हमें अलग अलग रो के अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पूरे कीबोर्ड को रेड कर दो या ग्रीन कर दो या ब्लू कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फीचर्स होते हैं ना, ऐसे फीचर्स आपको थोड़े हाई एंड कीबोर्ड्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ये थोड़ा लो बजट का गेमिंग कीबोर्ड है, तो आपको इसके अंदर ये सब इफेक्ट्स तो नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको इसके अंदर काफी सारे इफेक्ट्स चेंज करने आरजीबी लाइटिंग के, तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। आप इसकी चाहे तो आप ब्राइटनेस को भी कम या ज्यादा कर सकते हो, और जो इसके ऊपर इफेक्ट चल रहा है आप उसके इफेक्ट्स के जो स्पीड है स्पीड को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। तो ऐसे करके हमें काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। बस इसके अंदर जो एक थोड़ी सी डाउन साइड है वो यही है कि आप एक स्पेसिफिक कलर सेट इसके अंदर नहीं कर सकते। अब गाइस बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट के बारे में कि क्या हमें ये कीबोर्ड बाय करना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो इस कीबोर्ड के अंदर हमें कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है। पूरा का पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, बैक में प्लास्टिक मिल जाती है काफी हाई क्वालिटी, और जो की कैप्स है वो भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाई गई है, और साथ ही साथ वो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। जल्दी से उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका मिटेगा नहीं, सालों साल तक वही का वही लेटर लिखा रहेगा उस की कैप के ऊपर। और गाइस बात करो इस कीबोर्ड की अगर मैं प्राइस के बारे में, तो लगभग हमें 1800 रुपीस का ये कीबोर्ड अमेज़न के ऊपर दिख जाता है, और यही सारी जो चीजें इसको बेस्ट कीबोर्ड अंडर रुपीस 2000 बना देती हैं। और अगर आपके पीसी बिल्ड का जो बजट है वो है 30,000 रुपीस से लेके 60,000 रुपीस, तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो पेरिफेरल्स का जो बजट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, और वो सस्ते सस्ते में काफी ज्यादा अच्छा कीबोर्ड चाहते हैं। तो ये कीबोर्ड यार आप ही लोगों के लिए बना है, और इस कीबोर्ड की जो लिंक है बेस्ट बाय लिंक अमेज़न की, वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दी गई जो सबसे पहली लिंक होगी वो होगी इसी कीबोर्ड की। जाके आप इस कीबोर्ड को जरूर से जरूर
जरूर बाय कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि एक कीबोर्ड 2000 रुपए के अंदर बाय करना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो बस दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लो यार सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा यार आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।